भैया आपने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से किसान जो है यहाँ पर आते रहे हैं और आज जो है काफी राजनेता भी यहाँ पे जुड़े रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है असपा पार्टी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आप देख सकते हैं वो ट्रैक्टर पर इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, जिस तरीके से आज आप यहाँ आए हैं, किस तरह के मामलात रहे, क्योंकि इससे पहले भी आप आए थे, जन सैलाब के साथ आप आए थे, उस वक्त आपने कहा था कि हम पूरी तरीके से साथ हैं, कल जिस तरह से किसान यहाँ अकेले पड़ गए, उस कार्रवाई को आप किस तरह देख रहे हैं? धोखा समझते हैं, ये निकम्मी लुटेरी सरकार धोखेबाजी करती है, ठीक है। कल हमारे लोग जो हैं, जो 26 तारीख की रैली में ज़्यादा बड़ी संख्या में आए थे, वो लोग लौट गए, ठीक है। लेकिन इसलिए जो है कम लोग देख के इन्होंने सोचा कि इनको जो है ठीक कर लेते हैं, मगर ये गलत। ये जनता है ना, ये हमारे तार जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। जो है वो पश्चिम से आते हैं, वो मेरे बड़े भाई, उनकी आँखों के आंसू जो है वो कोई छोटा भाई नहीं देख सकता। कल जो हुआ है ना, वो हमारी अस्मिता पे, वेस्ट पे, उत्तर प्रदेश पे और पश्चिम पे स्पेशल, वो हमारा अपमान है। और वो अपमान इस सरकार ने जानबूझ के कराया हमें बताने के लिए कि हम लोग क्या हैं। हम सरकार को बताएं कि हम लोग क्या। तो जिस तरीके से आज सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस ने अपना एक्शन लिया है, क्या लगता है क्योंकि परसेंटेज कम होने के बाद ही एक्शन लेती है सरकार, कहीं ना कहीं ये दिखने में आता है? मैं अगर सच कहूँ तो मैं कहता हूँ सरकार से कि आए ना सरकार, कानून पे बात करें ना, तो फिर से ओपन कर देंगे। कानून पे बात करें ना, कानून पे बात करने की बजाय जो है लाठी और गोलियों का सहारा क्यों ले रही है? यही तो जनता जिसने बनाया था, कहीं अलग से तो वोट मांगने नहीं जाएंगे बीजेपी के लोग, कहाँ जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे क्या? ये मुजफ्फरनगर जो है ना, इसका इतिहास याद दिलाता हूँ, 2013 में इसी की वजह से जो है पूरे देश में आई थी बीजेपी, तो वहाँ जो माहौल खराब हुआ था, हमने तब भी कहा दंगा होता नहीं, दंगा करवाया जाता। और आज वो मुजफ्फरनगर, कल रात की कॉल पे 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, आज अभी तो शुरू हुआ है। तो आप वहाँ देख कर आए हैं, बाकी चीज़ आप? मुझे नरेश भाई का कॉल आया, बड़े भाई हैं हमारे, कि आ जाओ। हमने कहा कि आज मोर्चा यहाँ रहेगा, ठीक है, आप पंचायत तो आप संभाल लो, हम यहाँ रहेंगे, जयंत चौधरी, ठीक है ना, वहाँ जयंत भाई संभाल रहे हैं, वहाँ और बहुत लोग हैं संभालने वाले, हम यहाँ हैं। कल जिस तरीके यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? मुजफ्फरनगर में दिक्कत है, वहाँ किसी की औकात है क्या? वहाँ तो सड़क पर टेंट लग सकता है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ ऐसी जगह है, जरूरत मेरी यहाँ है तो मैं यहाँ, और ये बताने के लिए कि किसान अकेले नहीं है। जिस तरीके से डीएम साहब ने कल अल्टीमेटम दे दिया, पूरी रात भर यहाँ किसान परेशान रहे, धारा 144 तक लगा दी गई, और उस चीज को देख के यहाँ कुछ बीजेपी के नेता भी यहाँ आ गए थे, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? कौन सी धारा 144 और किसके लिए धारा 144? देश के अन्नदाता के लिए धारा 144? जो देश को रोटी देता उसके लिए धारा 144? पहले से नहीं बता गया लोग इकट्ठा हुए, क्यों धारा 144 लगाई? ये सब जो है सरकार के एजेंडे फेल होने वाले हैं। जो सरकार कर रही है आंदोलन को बदनाम करने के लिए, वो नहीं चलेगा। जनता का आंदोलन बन गया, जन समर्थन है, सरकार जीते, सरकार हारेगी और किसान जो है जीतेंगे। और अब नया जो नारा है ना हमारा, पहले बिल वापसी फिर घर वापसी, वही होगा, और आप देखते जाइए। जिस तरीके से मुरादनगर के निजाम चौधरी, एक मिनट आजाद भाई, जिस तरीके से मुरादनगर के निजाम चौधरी साहब ने आपके आह्वान के बाद जो है किसानों के समर्थन में रैली निकाली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे रोक दिया था, कहीं ना कहीं योगी सरकार आप लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज नहीं करी इस चीज को? जोर लगाए ना, जोर लगाए, हल्की लड़ाई तो हम भी नहीं लड़ना चाहते ना, तानाशाही करे सरकार। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे आंदोलन पे सरकार जो है ना, जब मैं आंदोलन करूँगा उस पर सरकार गोली चलाएगी। मैं सरदार उधम सिंह को भी मानता हूँ, मैं सरदार भगत सिंह को मानता हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानता हूँ, मैं सर छोटू राम को भी मानता हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह को भी मानता हूँ, मैं ताऊ देवीलाल को भी मानता हूँ, तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ मैं गुरु गोविंद सिंह जी को मानता हूँ, भगवान वाल्मीकि महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव को मानता हूँ। तो मानवता के भले के लिए जो करना पड़े करेंगे, लेकिन गोली सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। अगर देश के लिए, देश हमारा है, हम प्रथम अंतिम भारतीय हैं, देश के लिए अगर गोली भी खानी पड़ी, फांसी भी चढ़ना पड़ा, तो पीछे नहीं हटेंगे सर, बलिदान देंगे, लेकिन अपने लोगों को निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। आखिरी सवाल चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल, आपने मीडिया को किस तरीके से एनालाइज किया है? आप बोल रहे थे कुछ इस बारे में। धन्यवाद। अगर कल मीडिया ना डराती, इस हमारे लोगों के खिलाफ ये ना चलाती, तो आज हमारे लोग जागते नहीं। तो इस मीडिया ने हमारे लोगों को जगाया, हमारी एकता को मजबूत किया, उनका धन्यवाद।
उनको वो काम करना जिनकी जहाँ से उनको तनख्वाह मिलती है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी पुलिस के लोग लाठी नहीं मारना चाहते, लेकिन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है तनख्वाह जो देती है। और जो मीडिया के लोग यहाँ घूम रहे हैं ना, वो भी इंसान ही है, उनको भी तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह ही अपना काम कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। तो देखा किस तरीके से चंद्रशेखर ने बिल्कुल साफ तौर पर बोल दिया है और बता भी दिया है कि वो अभी भी इस लड़ाई में कंटिन्यू इन लोगों के साथ यहाँ बने रहेंगे। और आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, अफसर उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।